आप लोगों में से कितने लोग शॉपिंग करने डीमार्ट या बिग बाजार गए हुए हो? सभी ने शादी कर ली है क्या? क्योंकि शादी के बाद वीकेंड का प्लान सबका वहीं पे होता है जनरली। आप लोगों ने लंगर का नाम सुना होगा, जहाँ पे फ्री में खाना मिलता है, वहां पर भी इतनी भीड़ नहीं होती जितना पे तुम लोग डीमार्ट में जाके लगा देते हो यार। वहां पे फ्री में मिलता है क्या सामान? गर्मी हुई थी तो मैंने सोचा चलो आज जीवन को सफल बनाते हैं और डीमार्ट में शॉपिंग करते हैं। तो अपन जल्दी है डीमार्ट के कैंपस में जो भी पहुंचा तो सबसे पहला जो बड़ा टास्क मुझे लगा वो पार्किंग के लिए जगह ढूंढना। हाँ, ये जितने भी इंजीनियर्स हो उनको असली इंजीनियरिंग वाला जॉब ढूंढने में जितनी मुश्किल होती है उससे थोड़ा ही कम मुश्किल हुई मुझे पार्किंग ढूंढने में। तो मैं पीछे मुड़ के गया कि एंट्री करता हुआ, यार मैं तो घबरा गया, मुझे लगा मोदी जी ने फिर से नोटबंदी कर दी क्या, और ये एटीएम की लाइन लगी हुई है। इतनी लंबी सी लाइन थी एंट्री करने के लिए। किसी तरीके से मैं एंट्री करके अंदर पहुंचा, सांस लेके आंखें खोली तो मुझे लगा यार मैं तो मुंबई की लोकल ट्रेन में आ गया। सीरियसली, मैं तो बिना किसी एफर्ट के आगे बढ़ रहा हूँ, अपने आप आगे जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ कि यार मैं तो शॉपिंग करने आया हुआ हूँ। तो मैंने लिस्ट किया शॉपिंग लिस्ट, तो बैचलर के हिसाब से मेरे लिस्ट में थे 5 मैगी के पैकेट, 1 टूथपेस्ट, 1 लाइफबॉय साबुन, 2 नमकीन के पैकेट क्योंकि वीकेंड आने वाले थे। लेकिन मैंने अपने चारों ओर देखा तो मैं किसी विचित्र जगह पे आया हुआ था, क्योंकि आसपास इस प्रकार की सामान थी जो कि मेरे बजरंग दल वाले लाइफ में मैंने कभी देखा नहीं था। शायद मैं गलत सेक्शन में आ गया था। और वो मैगी जो था वो काफी पीछे मुड़ के देखा तो काफी दूर मैगी का रैक दिख रहा है, लेकिन मैं वहां पे जा नहीं सकता। मैं एकदम अटका हुआ हूँ, एक गली में फंसा हुआ हूँ। मेरे आगे एक ट्रॉली है, मेरे पीछे एक ट्रॉली है, ट्रॉली के आगे एक आंटी, ट्रॉली के पीछे एक भाभी, मेरे दाएं बाएं भी एक एक ट्रॉली है, सारे में सामान भरा पड़ा है, तंग गली है, मैं जा नहीं पा रहा, पीछे टाइम भी खत्म हुआ जा रहा। फिर मेरे आगे जो आंटी है मैं उनको जगह देने के लिए बोलूं, लेकिन वो तो अपने मगन है, 240 है, ओके बाय वन गेट वन। यार पीछे वाली भाभी तो वीडियो कॉलिंग चालू कर दिया, आले भाई। तो यार हद है। फिर मुझे लग रहा है कोई मेरे को रेस्क्यू तो करो, यहाँ से निकाल के ले जाओ बाहर। फिर मैं किसी तरीके से उस तंग गलियों में से छोटे छोटे वाइड में से जगह क्रिएट किया, ऐसे ऐसे करके मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर नीचे वो जो जंगल था ट्रॉलीज के उसमें से निकलते हुए यू टर्न लंबा सा लिया, पहुंचा मैगी के रैक के पास। लेकिन अभी भी मेरे हाथ वहां नहीं पहुंच सकते क्योंकि उसके सामने फिर से 2 ट्रॉली रखी हुई है। उसमें रखा है 1 बोरी आटा, चावल की बोरी, आलू रखे हुए हैं, कुकिंग ऑयल के केन रखे हुए हैं, और दोनों ट्रॉली में 5-5 साल के एक एक बच्चा भी बैठा हुआ है। बच्चा सिर्फ बैठा हुआ नहीं है, दोनों आपस में कैच खेल रहे हैं, एक ट्रॉली से दूसरी ट्रॉली में, बॉल से नहीं साबुन से। मैंने बोला बेटा उधर से वो मैगी मेरे को पकड़ा दे, तो गुस्सा में आ गया, मेरे ऊपर साबुन थे मारा, चोट लग गई मेरे को। मैंने सर्विस गर्ल को बुलाया कि बेन यार देखो मेरे को मैगी चाहिए जल्दी, मेरे को देर हो रही है, इन्हें हटाओ, ये लावारिस बच्चों को पहुंचाओ जगह पे। तो बोले सू कहो साहब, तो रोज नहीं बात छे। फिर वो किसी तरीके उसको सरकार ने, लेकिन उसे हिल ही नहीं रहा क्योंकि इतना सामान रखा हुआ है, मुझे हेल्प करना पड़ा उसे साइड करने के लिए। फिर मैं मैगी लिया, अब तक हो चुके थे 40 मिनट, मुझे मूवी देखने के लिए जाना था, दोस्त फोन कर रहे थे। फिर मेरे को याद है आगे आने वाला सामान है वो बहुत दूर भीड़ लगी हुई है, मैं सोचा छोड़ो बगल से नमकीन लो क्योंकि विकेट बिगड़ना नहीं चाहिए, और जल्दी से पेमेंट के लिए जाओ। तो मैं जहाँ पहुंचा पेमेंट के लिए, तो यहाँ तो अलग ही सीन है, मेरे आगे 10 लोगों की लाइन लगी हुई है और सारे ट्रॉली में 25-25 सामान भरे पड़े हैं। उसमें भी भाभी लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने हस्बैंड को खड़ा करके इधर से सामान लेके आ रहे, फिर से भरते ही जा रहे हैं। थैंक यू जयराम जी की।